इतनी सारी चीजों के बारे में हमने पढ़ा, घूम फिर के कॉन्फिडेंस की तरफ ही बात आ जाती है। हम क्या कर रहे हैं, हम तालीम मुमकिन के जरिए जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, कासिम अली शाह फाउंडेशन का जो इनिशिएटिव है बड़ा ही खूबसूरत है कि बच्चे पढ़ लिख तो गए हैं, अब वो शो कैसे करेंगे कि वो पढ़े लिखे हैं। अच्छा, आज का जो टॉपिक है ना वो शूज के हवाले से है, ठीक है। जो टॉपिक है प्रेजेंटेशन प्रिपेयर्ड फॉर, मैंने इसको डिटेल में आगे लिख दी है, वॉक फॉर सक्सेस, यानी वो चाल, यानी चलने का वो तरीका जो कि आपको सक्सेसफुल शो करे। ऐसा भी है ना, हमारे वॉक स्टाइल से ही पता चल जाता है कि इंसान कितना कामयाब है। क्या कनेक्शन है इसका? कनेक्शन है हमारे कॉन्फिडेंस लेवल के साथ। कॉन्फिडेंस में हमने बड़ी चीज़ें पढ़नी है, जिसमें हमने लबास का इंतखाब, कलर्स का अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से, क्योंकि मुझे और आपको भी ऐसा लगता है, आप इत्तफाक करेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में बहुत सारी चीज़ों का हाथ है। अगर हम बात करें पर्सनालिटी की, हमारा हेयर स्टाइल, हमारा मेकअप, हमारे कपड़े, हमारी ज्वेलरी, हमारे शूज़, ये सारी चीज़ें। और बड़े मज़े की बात है, एक सेशन में हम गैजेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि गैजेट्स का कितना रोल है आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में, क्योंकि ज़माने के साथ साथ चलते हैं ना, तो टेक्नोलॉजी भी आपकी ज़माने के साथ साथ चल रही है। तो अब इतनी सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा, घूम फिर के कॉन्फिडेंस की तरफ ही बात आ जाती है। हम क्या कर रहे हैं, हम तालीम मुमकिन के ज़रिए जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, कासिम अली शाह फाउंडेशन का जो इनिशिएटिव है बड़ा ही खूबसूरत है कि बच्चे पढ़ लिख तो गए हैं, अब वो शो कैसे करेंगे कि वो पढ़े लिखे हैं। उसके लिए उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, जो कि उसी वक्त होना चाहिए जब वो पढ़ रहे हैं। दौराने पढ़ाई, दौराने तालीम आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाना चाहिए। तो जो हम डिफरेंट ट्रेनर्स आ रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, लैंग्वेज के ऊपर भी आपने कोर्सेज लिए हैं, तो इसका सारे का मकसद एक ही है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए और कल को आपके हर अंदाज से लगे कि आप बड़े सक्सेसफुल और पढ़े लिखे बच्चे हैं। इतनी चीज़ें हैं जो हमारे बस में नहीं है, और इतनी चीज़ें हैं जो हम लोग हमारे बस में हैं, हम उसको बदल सकते हैं। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो कुछ चीज़ें उसके बस में नहीं होती, जैसे समथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट हमारा मज़हब, हमारा जेंडर, हमारी शख्सियत, ये हमारे बस में नहीं है। कोई कमाल किसी का नहीं है, क्योंकि अल्लाह के हुजूर हर चीज़ बराबर है। सारे मज़हब भी देखो, हमारे लिए प्रायोरिटी और इम्पोर्टेंस इस चीज़ की है ना कि हमें अच्छा इंसान बनना है। मज़हब का इसमें कोई रोल नहीं है, हर एक का अपना अपना मज़हब है। सारे मज़ाहिब जो हैं वो बहुत इज्जत के लायक हैं, हमारा ईमान है ना। ये इम्पॉर्टेंट क्या है कि इंसान अच्छा होना चाहिए, और ये जो कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंस आपको एक अच्छा इंसान बनाने में बहुत मदद देता है। आप देखें जितने कॉन्फिडेंट लोग हैं ना, वो एहतराम करते हैं अपने मज़हब का, एहतराम करते हैं अपनी जिंस का, एहतराम करते हैं अपने ख़ानदान का, हर उस चीज़ का एहतराम करता है। आप देखेंगे उन लोगों को जिसका एहतराम हमें एक अच्छा इंसान होने के लिए करना चाहिए, राइट? तो ये चीज़ें वो जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, हमारे बस में नहीं है। वो तो इंसान को पढ़ लिख के शऊर मिल गया, आप फिर जैसे ग्रूम होते जाते हैं, फिर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर चेंजेस लेकर आते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें तब्दील हो सकती हैं, कुछ नहीं हो सकती। हमारा मकसद था इन सेशंस को लेकर आने का, उन चीज़ों को चेंज करने का जो चेंज हो सकती हैं। क्या चेंज हो सकता है? आपकी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस आ सकता है आपकी पर्सनैलिटी को चेंज होने के बाद। वॉक फॉर सक्सेस, इसमें मेरा ख़ास मकसद ये था कि जो हमारे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको पता हो कि शूज़ का सिलेक्शन कैसे करना है। बीइंग अ प्रोफेशनल, प्रोफेशनल भी छोड़ दो, ओकेजनली जूतों का सिलेक्शन कैसे करना है, कौन से लिबास के साथ कौन सा जूता फिट होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि ऑस्कर पे जा रहे हैं मैक्सी पहनी हुई और उसके साथ खुस्सा पहन लेंगे, कितना फनी लगेगा ना। हमारा माइंडसेट ही टोटली चेंज हो जाएगा, आप खुद में कॉन्फिडेंस फील नहीं करेंगे। क्या होता है कि जैसे ही आप हील्स पहनते हैं ना, आपकी पर्सनालिटी में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप फॉर्मल फॉर्मल फील करना शुरू हो जाते हैं।
खुस्सा एक बड़ा कैजुअल और ट्रेडिशनल सी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि वो खूबसूरत नहीं है या वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन हम हमेशा जूता सेलेक्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि मतलब हम जो पहने वो हमारे लिबास के साथ भी मैच करता हो। तो जिस तरह हमने पहले सेशन में बात की थी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम अपनी वार्डरोब खोलते हैं, कहीं जाना होता है ना, सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं कपड़े, उसके बाद आती है ना जूती की बारी कि ये सिलेक्ट कर लिया, अब इसके साथ ये शूज़ एंड में पहनते हैं। साइकोलॉजिकली ये हम सब ऐसे ही करते हैं, सोना नहीं है, बात गौर से सुननी है और इंटरैक्ट ज़रूर करना है, ठीक है? मुझे पता चल रहा है जिस जिस की आंखें बंद हो रही हैं, ओके। लास्ट ईयर मुझे याद है एक बच्चा सोया रहा था, मैंने उसको जगाया नहीं था हमें कहा था बच्चे को नींद आ गई है, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो रहा था। आपको नींद तब आती है जब आप ज़्यादा बोर हो रहे होते हैं, ठीक है ना? बोर नहीं होना, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसको ज़रा इतना अच्छा बनाऊँ सेशन को कि आप जागते रहें, ठीक है? अच्छा, शूज़ की बात हो रही है तो फुट केयर की बात साथ होगी, क्योंकि शूज़ जब वॉक फॉर सक्सेस की बात होती है तो जूती का बहुत ज़्यादा रोल होता है आपकी वॉक स्टाइल में। अगर आप अनकंफर्टेबल जूती पहन लेते तो आपसे चला तो नहीं जाता, तो वहाँ पर तो आप सक्सेसफुल इमेज प्रोजेक्ट ही नहीं कर सकते। जब आप लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे हैं या आपकी एक जूती डैमेज है या 100 मसाइल होते हैं शूज़ से रिलेटेड, सिर्फ ड्रेसेस से रिलेटेड नहीं होते, शूज़ से रिलेटेड भी बड़े मसाइल होते हैं। तो जब वो मसाइल बढ़ जाते हैं तो आपकी वॉक में वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो सुकून नहीं होता, वो इत्मीनान नहीं होता, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, बार बार आपका ध्यान शूज़ पे जा रहा होता है कि मेरा शू जो है वो बड़ा अनकंफर्टेबल है। तो हम इसमें फुट केयर के हवाले से भी बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि जब हमने जूते सेलेक्ट करने हैं तो उसमें क्या टिप्स आपने मद्देनज़र रखनी है। हमारी पर्सनैलिटी जजमेंट बेस्ड ऑन वॉक स्टाइल है, ये हमने बात कर ली अभी। अच्छा, अब बात करेंगे कि हमारी जो चाल है वो हमारी किस किस चीज़ के बारे में बताती है, यानी आपकी वॉक मेंटल हेल्थ के बारे में बताती है, फिज़िकल हेल्थ के बारे में बताती है, एनर्जी आपकी उस वक्त कितनी है उसके बारे में बताती है, सक्सेस रेट के बारे में बताती है, कितना कुछ सक्सेसफुल बंदा है। बेटा एक बात ज़िंदगी में याद रखना, सक्सेस से सक्सेस रेट से आप लोगों को स्टार्ट करना चाहूँगी। बचपन में ना एक बात सुना करती थी कि फल हमेशा झुके हुए दरख्त को लगता है, मुझे समझ में नहीं आती थी। मैं कहती थी नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, जब तने के ऊपर फल लग जाता है तो तब वो झुकता है। मुझे आज भी याद है मैं अपने फादर से बहुत बहस करती थी इस बारे में कि अबू आप गलत कहते हैं कि जी फल हमेशा झुके हुए दरख्त को लगता है। नहीं, ऑब्वियसली जब तने के ऊपर वेट आएगा तब वो खुद ही झुक जाएगा। तो मैं सोचती बहुत थी, मैं कहती थी ये अगर ज़िंदगी से इसको कनेक्ट करें, इंसान को जितनी इज्जत और जितना रुतबा मिलता जाता है असूलन उसको झुक जाना चाहिए, डाउन टू अर्थ हो जाना चाहिए। आपकी वॉक बता देती है आप कितने मगरूर हैं। यकीन जाने अगर आप सक्सेसफुल हैं तो सीना चौड़ा करके चलना नहीं है, आजजी के साथ चलना है। क्यों? क्योंकि अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि उसने तुम्हारे ऊपर इतनी ब्लेसिंग्स की हैं, राइट? तो सक्सेसफुल इंसान का मतलब ये नहीं है कि उसकी चाल में गरूर आ जाए, वो चले अकड़ अकड़ के चले, लगे कि जी सरिया आ गया इसकी गर्दन में। ऐसे कमेंट्स सुनने को मिलते हैं ना, फलां के गर्दन में तो जी बहुत सरिया है। कहने का मतलब ये होता है कि जी वो तो बड़ा मगरूर है। तो चाल जो है सक्सेस रेट यहाँ से काउंट नहीं होता। मुझे याद है मेरे एक रिलेटिव हैं जो चीफ जस्टिस थे, मेरे रिश्तेदार हैं, तो मुझे जब बड़े आपके बताते हैं उनके बारे में तो पता चला कि उनके घर कोई मेहमान जाता था वो बग़ैर जूती के, आप यकीन करें बग़ैर चप्पल के भागे जाते थे उनको रिसीव करने। कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उनको कि उनके इतना प्रोटोकॉल साइड पर खड़ा हुआ लोग क्या कहेंगे, वो इतने आजिज थे, गरूर का कतरा नहीं था। अल्लाह मियाँ सक्सेस रेट बढ़ाता जाता है जब आप आजिज होते हैं। तो अपनी वॉक के अंदर आपने वो आजिज़ी लेके आनी है अगर आप सक्सेसफुल भी हो जाते हैं तो। एनर्जी, वॉक टेल्स अबाउट, आप देखें जो लोग तेज से चल रहे होते हैं उनकी एनर्जी काउंट करने में कितनी आसानी हो जाती है। जो एक्टिव बंदा होता है उसका वॉक स्टाइल और होता है, जो बीमार होता है उसका और होता है।
अच्छा, अब ये एनर्जी वाली बात आ जाती है इसमें, अब देखें एनर्जी में ही आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ आ जाती है। अगर आप फिजिकल हेल्थ की बात करें तो जाहिर है एक बीमार बंदा जिसको फिजिकली कोई इशू है वो तेज से तो नहीं चल सकेगा, उसकी चाल से आपको पता चल जाएगा ना, अस्पताल जाते हैं वहाँ जब बीमार आते हैं इलाज के लिए, वो जब चल रहे होते हैं ना उनका चलने का अंदाज बीमारों वाला होता है, तो क्या उनकी वॉक बता रही होती है कि वो बीमार है। मेंटल हेल्थ, कभी ऐसे लोग देखे जो फुटपाथ पे होते हैं, नशेई होते हैं, नशे में लगे होते हैं और इस तरह से प्रॉब्लम्स में होते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है ना, उनका कभी चलने का तरीका देखा है? उनका वॉक स्टाइल भी बता देता है कि उनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, वॉट एवर किस वजह से है, ड्रग्स की वजह से है, एडिक्शन की वजह से है, वॉट एवर, बट पता चल जाता है, राइट? व्हाट यू फील व्हेन वॉक लाइक दिस। अच्छा, अब वही बात आ गई कि जब आप तेज चलते हैं तो क्या होता है, जब आप वॉक स्लो करते हैं तो क्या होता है, जब आप बड़े बड़े कदम लेते हैं तो क्या होता है, किससे स्टार्ट करते हैं? आपसे स्टार्ट करते हैं। आप मुझे एक मिनट खड़े हो जाओ। आप जब तेज से चल रहे होते हो उस वक्त सिचुएशन क्या होती है? हाँ, सिचुएशन भी मैटर करती है, राइट? आप जब तेज से चल रहे होते हो उसकी रीजन क्या होती है? प्लीज बैठो। हाँ, जब लेट हो रहे हो तो सिचुएशन मैटर्स, ठीक है? आप बताओ, आप जब तेज से चल रहे होते हो तो हाँ बिल्कुल सही कहा है, फील, हाँ देखा ना, फील भी आ गई, एनर्जी भी आ गई और सिचुएशन भी आ गई, तीन चीजें कनेक्ट कर गई आपके तेज चलने से, ठीक है? मुझे भी जब, अच्छा एक और चीज, जब कोई हादसा हो जाता है और आप बेसख्त चल रहे होते हैं तो आपकी वॉक फास्ट हो जाती है, तो क्या है कि सिचुएशन, आपकी फीलिंग कनेक्ट करिए सिचुएशन से। व्हेन यू वॉक स्लो, आप बीमार भी हो सकते हैं, आप सुकून में भी हो सकते हैं, चहलकदमी कर रहे हैं, हल्का हल्का चल रहे हैं, आपको कोई जल्दी नहीं है, आप और सुकून है, बीमार भी हो सकते हैं, राइट? बहुत बीमार हैं, तबीयत ठीक नहीं, तब भी स्लो चाहे, तो क्या है कि फीलिंग और सिचुएशंस ये बहुत मैटर करती हैं। तेज कदम लेना, बड़े बड़े कदम लेना, जल्दी पहुंचना है कहीं तो ऑब्वियसली फिर अब आप तेज तो चल रहे हैं लेकिन आपकी लॉन्ग स्ट्राइड्स भी होंगी। इम्पॉर्टेंस ऑफ वॉकिंग स्टाइल, अच्छा इसमें जो है ना देखें, द डिफेंडर, द अचीवर, द एग्जीक्यूटिव, द थिंकर, चार सिचुएशंस हैं, चार ओहदे हैं, सिचुएशंस नहीं सॉरी ओहदे हैं, चार ओहदे हैं और हर बंदे की चाल और उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है वॉक करने की वो कितनी को डिफरेंट है। मुझे पता है काफ़ी धुंधला है लेकिन उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा। एग्जेक्टिव जो होता है ना उसकी चाल और होती है, जिस तरह वो चल रहा होता है बड़ा एक सक्सेसफुल इंसान होता है। थिंकर, सोच, जिसको कोई सोच होती है वो हल्का हल्का भी चल रहा होता है, वो अपने ख्यालों में होता है। अचीवर, लॉन्ग स्ट्राइड्स अचीवर्स भी लेते हैं, पता है, जो वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहते, जो चाहते हैं मैंने कुछ अचीव करना है, मैं वक्त बहुत कीमती है, मैंने अपना वक्त जो है उससे कुछ ले लेना है, कुछ हासिल करना है। दी डिफेंडर, लॉन्ग स्ट्राइड्स तो वो भी ले सकते हैं जो डिफेंडर्स हैं, राइट? तो ये क्या है, वॉकिंग स्टाइल है जो कि रिवील करता है आपकी पर्सनालिटी के बारे में। आप एग्जेक्टिव हैं, आप असिस्टेंट हैं, आप असिस्टेंट से भी अंडर एक प्रोफेशन होता है, एसोसिएट सॉरी, असिस्टेंट के अंडर एसोसिएट होता है। तो ये तीन डिफरेंट ओहदे हैं और इन तीन डिफरेंट ओहदों के लोग जब वो चलते हैं ना तो पता चल जाता है कि इनकी चाल में कुछ डिफरेंस है। एग्जेक्टिव्स इतना तेज़ नहीं चलते, एसोसिएट्स बहुत तेज़ चलते हैं, क्यों? क्योंकि दे आर अचीवर्स, उन्होंने कुछ हासिल करना है ज़िंदगी से। हाउ टू डिटर्मिन राइट फिट ऑफ शूज़, अब ये सारी चीज़ें हैं,
कि हमने कामयाबी की तरफ जाना है, हमारा वॉक स्टाइल अच्छा होना चाहिए, हम कामयाब होना चाहते हैं। इस वक्त आप सब अचीवर्स हैं, आप कुछ अचीव करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ऑल्दो आप उस राह रास्ते पे चल चुके हैं, लेकिन अब आपने कुछ हासिल करना है। उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि शूज़ का जो सिलेक्शन है उससे करने से पहले अपना फुट केयर करें। फुट केयर कैसे करना है, इसके आगे जो है ना, मैं आपको बहुत सारी टिप्स भी साथ साथ देती जाऊंगी और साथ साथ चीज़ें बताती भी जाऊंगी। हाउ टू डिटर्मिन राइट फिट ऑफ शूज़। अच्छा, ये एक जूती है, जूती के कुछ पार्ट्स होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हील होती है, मिड फुट होता है, फोर फुट होता है, टिप होती है, अंदाज़ा हो रहा है थोड़ा सा? अच्छा, टिप होती है आपके जो बिल्कुल टो के आगे नुकीली सी जगह होती है, उसको हम शू टिप बोलते हैं। उससे पीछे आ जाए तो आपका फोर फुट होता है, दरमियाना हिस्सा, यहां से लेके यहां तक, ये आपका है मिड फुट और ये आपका हील है। अब मेरा सवाल ये, कौन सी चीज अनकंफर्टेबल होती है तो आप जूती सेलेक्ट नहीं करते, आप बताएं। आप एक शॉप पे गए, आपने शूज पहने और अब आपने उसको चलकर देखा, उसका कौन सा पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? हील इंपॉर्टेंट है, बाकी सबकी खैर है? टिप, हाँ हाँ, और कोई बताए प्लीज, आप बताओ। मुझे भी लगता है कि पूरा शूज मैटर करता है, हाँ, लेकिन कुछ चीजें हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हम हील और जो इसकी आगे की टिप है हम उसको इग्नोर नहीं करते। हील के पीछे जो इसका बैक एरिया होता है वो टाइट होगा तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम जूती नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर जूती आपकी आगे से चुभ रही है या पीछे से चुभ रही है तो वो डैमेजिंग है, वो तो आपको डिस्ट्रैक्शन की तरफ ले जाएगी, आप फुल टाइम आपकी वॉक खराब होगी, आप चलेंगे नहीं, बैठे रहेंगे ज़्यादा टाइम, और आप कहेंगे कि मैं तो नहीं चल रही क्योंकि मेरी तो शू में बड़ी सख्त प्रॉब्लम है और मुझे फुट पेन हो रहा है, स्क्रैच लग रहा है, स्किन खराब हो जाती है, बबल्स बन जाते हैं। तो कहने का मकसद ये कि पार्ट दो तीन ऐसे होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हील में भी हम हील ना पहन रहे हो, इट्स ओके, बट इसका बैक एरिया और टिप, ये सॉरी, इसका टिप और इसका बैक एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी दो तीन चीजें ऐसी हैं जिसको आप इग्नोर कर देते हैं और आप जूती पहन लेते हैं, इट्स ओके, थोड़ा सा बीच से लग रहा है या थोड़ा उभरा हुआ है तो आप उसको ले लेते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मेडिकली ये जो दो पार्ट है वो आपके लिए कितने डैमेजिंग होते हैं। आपको फिजिकली और विजुअली दो चीज़ें डैमेज करती हैं शूज़ की, वो होती है टिप और उसका बैक एरिया, लेकिन मेडिकली आपको डैमेज करता है जो उसका सारा एरिया, वो पता है कौन सा? वो फोर फुट और मिड फुट है। आप में से किसी ने कभी मेडिकल वो देखे हैं शूज़, मेडिकल शूज़, उसमें आपने देखा है जिस तरीके से वो बनाए गए होते हैं? मेडिकल शूज़ की नौबत ही तब आती है जब आप अपने शूज़ के बीच वाले दो एरियाज को डीवैल्यू कर देते हैं, इट्स ओके, चल जाएगा, सही है, बैठ जाएगा, ऐसे ही करते हैं ना। तो आप मेडिकल शूज की तरफ जाएं, इससे पहले बेहतर है कि आप कुछ चीज़ों को समझ लें कि आपने किस तरह से क्या चीज़ लेनी है, फॉलो करनी है और फिर उसको आपने पहनना है। सबसे पहले, अच्छा कुछ स्लाइड्स आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह हम जिस चीज़ की तरफ चल रहे हैं उसको कनेक्ट करते जाएं, ठीक है। जूती सेलेक्ट करनी है, सबसे पहले तो शूज़ सेलेक्ट करने का जो बेस्ट टाइम है वो सुबह का टाइम है। शाम के टाइम पे आपने शूज सेलेक्ट करने नहीं जाना, उसकी रीज़न क्या है? किसी को आइडिया है उसकी रीज़न क्या हो सकती है? हाँ, पूरा दिन चल चल के आपका पाँव शाम में स्वेल हो जाता है, वो भले दिख नहीं रहा होता लेकिन वो थक जाता है। उस टाइम पे जब आप शूज़ लेने जाते हैं, आप पहन कर देख लेते हैं तो आप अपने से बड़ा साइज़ उठा के ले आते हैं तो वह आपको मिसफिट हो जाता है। फिर जब आप उसको नेक्स्ट टाइम पहनते हैं वो आपको सुबह के टाइम पे टाइट लग रहा होता है, रात के टाइम पे आपको टाइट लग रहा होता है, सुबह के टाइम पे आपको लूज़ लग रहा होता है, वो एक मिसफिट है।
आपने जब भी शूज सेलेक्ट करने जाना है तो उस वक्त जाना जब आपके पाँव में स्वेलिंग ना हो। हाँ, दैट इज़ अनदर स्टोरी कि अगर आप सारा दिन कहीं नहीं गए हो, आप घर में ही रहे हो, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं आए, तो फिर आप शाम के टाइम पे जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। अदरवाइज शूज सेलेक्ट करने का जो आइडियल टाइम है वो है जब आपने ज़्यादा चला फिरा ना हो। ठीक हो गया। जूती जब लेनी है ना, उसको पकड़ के तो उसको ऐसे करके देखना है और ऐसे करके देखना है, कुछ नहीं कहेगा स्टोर कीपर, क्योंकि जूती सेलेक्ट करने से पहले ये चीज़ें नोट करना बहुत ज़रूरी है। अभी वैसे मैंने देखा बहुत सारे ब्रांड्स का मैार बड़ा गंदा हो गया है, लेकिन ये कि आपने अपनी पूरी समझ बूझ के साथ जाना है, क्योंकि सेल गर्ल्स आपको वो चीज़ें गाइड नहीं करती, क्योंकि उनको क्या पता, उन्होंने तो टारगेट अचीव करना है। आपने खुद ये चीज़ अकल करनी है कि आपने उसको पकड़ के देखना है ऐसे करके आपको पता चलेगा अगर वो फ्लेक्सिबल है तो वो आपके पाँव के लिए डैमेजिंग नहीं है, अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है। सो इसके बारे में आपने केयरफुल रहना है कि जिस वक्त आपने जूती ख़रीदने के लिए जाना है तो इसके फिट को आपने मद्देनज़र रखना है। फिट को तो मद्देनज़र रखना है, बट बीइंग अ प्रोफेशनल, चूँकि अब आगे आप लोगों ने प्रोफेशनली मूव करना है, कलर्स मैं आपके सामने रख रही हूँ कुछ जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। प्रोफेशनल गर्ल्स के लिए मैं कहूँगी तैयारी अभी से शुरू कर दें, कलर्स ऐसे सेलेक्ट करें कि हर दूसरे दिन आपको शूज़ ख़रीदने ना पड़े। आपने जो कैजुअली रूटीन से शूज़ पहने उसके डिफरेंट कलर्स हैं, मैं कोई एक दो कलर्स नहीं देती, आपको पता है हमेशा एक पैलेट देती हूँ। इस पैलेट में मैंने आपको न्यूट्रल कलर्स दिए हैं। अगर आप राइट इमेज प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, प्रोफेशनल इमेज प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कलर्स न्यूट्रल रखें। क्या होगा, एक तो गंदे नहीं होंगे ज़्यादा, दूसरा आपकी पर्सनैलिटी में वो बहुत अच्छे लगेंगे। न्यूट्रल्स में आप बड़े डाउन टू अर्थ रखते हैं। जब आप पॉपी कलर्स पहनते हैं ना, आपकी पर्सनैलिटी बड़ी आर्टिस्टिक और क्रिएटिव और थोड़ी सी ना आई कैची लगना शुरू हो जाती है। तो हमने क्या करना है, हमने अपने आप को डिस्ट्रैक्शन नहीं बनाना किसी के लिए कि कोई हमसे मिलने आया तो उसकी नज़र पहले शूज़ पे चली जाए। ऐसे होता है ना, जब किसी ने कोई डिफरेंट कलर का शू पहना होता है तो आप उससे मिलने जाते हैं तो आपकी नज़र बार बार उसके शूज़ पे जा रही होती है। तो ऐसा नहीं करना, आपने कोशिश करना है न्यूट्रल कलर्स को सिलेक्ट करें ताकि लोग आपको आपके कॉन्टेंट को फोकस करें, आपकी पर्सनैलिटी में जाकर शूज़ की तरफ ना फोकस्ड हो जाए। तो ये इसमें कुछ कलर्स हैं जिसमें आपको बेज कलर है, आपका टैन है, कॉफ़ी कलर है, वाइट है, ग्रे है, ब्लैक है, चाकोल है, नेवी है, अच्छा लाइट ब्लू में जो आपका बिल्कुल स्काई ब्लू होता है वो है, ड्रीमी पिंक है जिसको आप थोड़ा सा टी पिंक भी कह सकते हैं, अच्छा ऑलिव कलर है और चॉकलेट ब्राउन है। ये आपके कलर्स हैं। इसमें कैमल ब्राउन भी वैसे बहुत अच्छा होता है, अगर आप वो लेना चाहें आप वो भी ले सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट योर शूज सेज अबाउट योर पर्सनालिटी। अच्छा, अब हम कुछ पिक्चर्स लगाते हैं और हम उसमें देखते हैं कि आप इस बंदी के शूज से, मैं आपको पूरी पूरी पिक्चर नहीं दिखा रही, सिर्फ शूज दिखा रही हूँ, आपने थोड़ा जज करके बताना है कि ये बंदी किस टाइप की लग रही है। हाई हील बूट वेयरर, ये क्या लग रहा है, बड़ी कोई क्लासी बंदी लग रही है, फिर क्या लग रहा है, कोई एक बच्चा हाथ खड़ा करके बताए अपना व्यू। आप बताओ, एक्ट्रेस लग रही है कोई, राइट। फ्लैट फैंस आर बिहाइंड द सीन्स लीडर्स, इनके बारे में ये कहा जाता है, आप एग्री करते हैं? आपने देखा आपकी यूनिवर्सिटी में, आपके कॉलेज में बड़े सारे बच्चे जो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते होंगे, ख़ास तौर पे आपका कोई सेमिनार है उसमें बहुत सारी फैकल्टी है, उसको आपने असिस्ट करना है पीछे रह के, तो उस वक़्त आप नोट कीजिएगा कि आपकी हालत, सिर्फ आप फोकस होते हैं अपने काम को लेकर, मैसी हालत होती है, जूड़ा बनाया, फ्लैट शूज़ पहने और बस मूव करना है, और ऐसा अटायर होता है बस मूव करना है, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो कितने मेहनती हैं आप। सही कह रही हूँ मैं, ये वो लोग हैं बिहाइंड द सीन्स लीडर्स, समटाइम्स सामने देखने वाले लीडर्स नहीं होते, जिन्होंने एक चीज़ को बिल्ड किया होता है लीडर्स वो होते हैं। समझ आ रही है? अब ये देखते जाओ कि शूज़ आपकी पर्सनैलिटी के बारे में कितना बताते हैं।
नॉर्मली कहते हैं कि पंप फैंस आर बॉस वुमेन. मुझे याद है जब स्कूल में होते थे तो टीचर्स की टक 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 की जो हील की आवाज़ होती थी ना, पूरा साउंड कैरी होती थी कॉरिडोर में, और पता चलता था जी कोऑर्डिनेटर आ गई हैं या कोई आपकी हेड मिस्ट्रेस आ गई हैं. तो आप बैंकर्स को देखें, बैंकर्स की जो ख़वातीन होती हैं वो भी आपको हील्स में, पम्प शूज़, हाई हील्स, कोर्ट शूज़ में नज़र आएंगी. क्यों? क्योंकि उनकी पर्सनालिटी में थोड़ा सा बॉसीपन होता है, राइट? ये कौन बताएगा, कहाँ जा रही है ये? पार्टी में जा रही है. शी इज एन एक्सट्रोवर्ट, नॉट इंट्रोवर्ट. वो चाहती है कि लोग उसको देखें, समझ रहे हो? बहुत डोमिनेटिंग है और अपने आप को दिखाना चाहती है, मतलब पसंद करती है लोगों से उठना बैठना, मिलना जुलना. ट्रेडिशनल, वेरी ट्रेडिशनल एंड वेरी क्रिएटिव. और आप में से बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जिनको इस तरह की जूतियां पसंद होंगी, है ना? ये कौन है? कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, कोई उसके बारे में क्या सोचता है, वो अपनी जात में बहुत कॉन्फिडेंट है. ऐसे भी लोग होते हैं ना जिनको आप बोल देते हैं शेबी, आप उसको शेबी बोलते हैं, बट इस तरह के जूते पहनकर ये लड़की अपनी दुनिया में मगन है, काम कर रही है. ये एक दिन बहुत बड़ी बंदी बनेगी. इसकी सिचुएशन पता है क्या है? मे बी इस टाइम पे ये अच्छे शूज अफोर्ड नहीं कर सकती होगी, बट उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता. वो इतने हार्ड वर्क कर चुकी है, वो अपने घर में इतना बुरा वक्त देख चुकी है कि उसको कुछ हासिल करना है, नो मैटर वॉट शी इज़ वेयरिंग. क्योंकि एक दिन आएगा जब आप इसको देखेंगे ये शूज़ में. आप मेरी बातों को ना साइकोलॉजिकली अपने दिलों और दिमाग में बैठा लें. अभी तो आपका करियर स्टार्ट होना है, आप देखेंगे ऐसे बड़े लोगों को परवान चढ़ते हुए जो कोई असर नहीं रखते किसी का, कि कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है. जो आज आपको जज कर रहा है उसकी आदत है जज करने की, वो आपको कल भी जज करेगा. आज अगर वो आपके बारे में सिंपथी रखता है, कल वो आप पे प्राउड फील करेगा. आपकी मिसालें बनेंगी, ऐसे बच्चों की मिसालें बन जाती हैं. बड़े बड़े लीडर्स को देख ले, जब आप उनकी हिस्ट्री सुनते हैं ना, आपके रोने छूट जाते हैं कि यार ये इतने हार्ड टाइम से गुजरे हुए हैं, तो मुझे लगता है प्राउड फील करना चाहिए. अगर आप शेबी हैं तो ठीक है भाई, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई है ये देखा है. देखिए, फ्लिप फ्लॉप्स, लेट बैक पर्सन, और हाय बड़ी सुस्ती है. कुछ बच्चे ऐसे ही यूनिवर्सिटी उठ के आ जाते हैं, देखिए ऐसे बच्चे. खैर, ऐसे बच्चों को मैं बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करती, क्योंकि ये शेबी में नहीं आते ना, और ये बैक स्टेज लीडर्स भी नहीं है. इन्होंने सारी जिंदगी मैसी रहना है. सॉरी बट मैं तुम्हें रीडिंग बता रही हूँ अपनी, ये रीडिंग है, मैं नहीं कहती, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं. ये जितना कुछ है ना, ये रिसर्च के साथ सामने आया हुआ है. ये खाली एक पिक्चर नहीं है, ये एक रिसर्च है. स्पोर्टी शूज, अ गोल ओरिएंटेड पर्सन. अच्छा, वो जो मैंने अभी आप लोगों को बोला था ना कि बैक स्टेज लीडर्स, ऐसे बच्चे भी होते हैं जो अपनी पर्सनालिटी को भी बहुत फोकस रखते हैं कि मैंने अच्छा पहनना है, मैंने बता देना सबको कि मैं कौन हूँ. ये आपकी शख्सियत होती है जो आपको पाक साफ और तमीज़दार बनाती है. आपकी तरबियत होती है जो आपको पाक साफ और वेल ड्रेस्ड बनाती है. वेल ड्रेस्ड होने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप महंगे महंगे कपड़े ले लें और वो पहने. सफाई निस्व ईमान है ना, ये हमारा ईमान है. और जब आप साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं और आप किसी के सामने आते हैं ना, तो अगला आपके बारे में एक कहले के इमेज अपने जेहन में बिठा लेता है कि आपकी शख्सियत कैसी है. तो जो पाकीज़गी है ना, वो आपकी तरबियत में होती है. बचपन से पेरेंट्स सिखाना शुरू कर देते हैं ना. एक दिन आपने कोई शलवार और कमीज़ और पहनी होगी ना, अम्मा डांटेंगी तुम क्या बनकर आ गई हो, जाओ जाके कपड़े चेंज करो. आपको उस वक्त बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये आपकी तरबियत हो रही है. आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, आपको पता चल जाएगा
माँ को नहीं पसंद है कि मैं ऐसे कपड़े पहनूं, तो फिर आप सोते हुए पहन लें, लेकिन अम्मा के सामने आते हुए आप सोचेंगे कि नहीं यार, तो ये तो घर का बंदा है, बाहर के बंदों के सामने तो आप खुद फिर अपना इमेज लेकर चलेंगे ना। ग्रेट इंप्रेशन एवरी डे, ऑलवेज शाइनी एंड क्लीन शूज। शाइनी डजंट मीन दैट कि बहुत ज्यादा चमकदार और आर्टिफिशियल चमक वाले या ग्लिटरी। शाइनी से मुराद साफ सुथरे, क्लीन क्लीन शूज, जो मैं उम्मीद करती हूँ मेरे सारे बच्चे नीट एंड क्लीन शूज डेली बेसिस पे पहन कर आए। कंपैटिबिलिटी ऑफ शूज विद ड्रेस, अब हम उसकी बात करते हैं जिसको हमने शुरू में डिस्कस किया था कि किस तरह के ड्रेस के साथ किस तरह के शूज जो हैं वो अच्छे लगते हैं, राइट? अब ये देखो कितने मजे का ड्रेस है, बलोची ड्रेस है ये, देखा है? इस बलोची ड्रेस में आप ये देखें कि इससे क्या पहना हुआ है, कौन बताएगा इसके साथ शूज कौन से हैं? फ्लैट शूज नहीं है बेटा, गौर करो, खुस्सा है, ठीक है, खुस्सा है। फ्लैट शूज मैं अभी दिखाऊंगी, तो क्या है कि इस तरह के ड्रेस के साथ खुस्सा खूबसूरत लगता है, राइट? ये क्या है, कौन बताएगा क्या पहना हुआ है इस बंदी ने? स्पोर्ट्स शूज पहना हुआ है, स्पोर्ट्स ड्रेस पहना हुआ है। ये क्या है, फ्लैट शूज पहने हुए, ठीक है। ये क्या है, लॉन्ग बूट्स पहने हुए, लॉन्ग कोट के साथ, बहुत सर्दी है, राइट? ड्रेस देखो, लॉन्ग कोट के साथ लॉन्ग शूज है तो बिल्कुल ही नजर नहीं आ रहा। लॉन्ग शूज का पता है बच्चों, वो जो आपके तकरीबन पूरी लेग तक आ रहे होते हैं, बैक ओपन शूज हैं। अच्छा ये पार्टी ड्रेस है, देख रहे हो, बहुत क्लासी है, सब पार्टी ड्रेस। इसके साथ इसने शूज क्या पहने हैं, देख रहे हो, कोट शूज, कोट शूज इसके साथ भी अच्छे लग रहे हैं। और अब ये देखो, ये बॉसी लुक है, लीडर, राइट? ये क्या है, ये भी अच्छा लग रहा है, लेकिन ये बॉसी लुक नहीं है, ये फैशन ही ज्यादा लग रही है ऑफिस में ऐसे। ये देखो, कोट शूज विद लॉन्ग, लॉन्ग कोट नहीं है तो चलो अबाया है, अबाया के साथ भी अगर आपने एक बॉसी लुक क्रिएट करनी है और आप लीडर हैं, आप बॉस हैं, तो फिर अबाया के साथ आपको ये वाली हील पहननी पड़ेगी। प्रोफेशनल शूज विद यूनिफॉर्म, अब आप ये देखो मज़े की बात, डिफरेंट किस्म के शूज होंगे, आई मीन डिफरेंट किस्म के यूनिफॉर्म्स होंगे, और उन यूनिफॉर्म्स के साथ शूज टोटली डिफरेंट हैं। ट्रैक सूट है, स्पोर्ट्स शूज हैं, और आप ये देख लें जिम करने के लिए उसके शूज हैं, ये सारे क्या हैं, जॉगर्स हैं। आप ये देखें मेडिकल स्टाफ का यूनिफॉर्म जो होता है उसके साथ, जैसा हमारे स्कूल बूट्स हुआ करते थे, तो क्या है कि मेडिकल स्टाफ यूनिफॉर्म के साथ आपको हमेशा ब्लैक शूज़ में नज़र आएंगे, क्योंकि वो चलने में ईजी हैं, वो एक्टिव फील करते हैं, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, आपके पाँव में स्वेलिंग भी हो जाए तो आपके शूज़ आपको अनकंफर्टेबल नहीं करते। यही रीज़न थी कि हमें भी स्कूल बूट्स इसीलिए पहनाए जाते थे कि वो फ्लेक्सिबल होते थे, याद है, थोड़ा स्ट्रेची से होते थे। पुलिस स्टेशन में देख लें, यहाँ पे भी आपको ब्लैक शूज नजर आएंगे, बट ये जॉगर्स की सूरत में होंगे। ये है जी वॉक फॉर सक्सेस, ये चीज़ें हैं जो आपने अपने लिए कैरी करनी है। कलर पैलेट को फोकस करना है, न्यूट्रल कलर्स होने चाहिए। जूती सेलेक्ट करते हुए जो मैंने आपको कुछ आइडियाज़ दिए वो, और इसके अलावा फुट केयर के हवाले से हम इसको एंड करने में थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे। शू केयर की बात हो रही थी, उसके साथ साथ फुट केयर की भी बात हो रही थी। बेटा फुट केयर बहुत ज़रूरी है। रिफ्लेक्सोलॉजी एक टर्म होती है, रिफ्लेक्सोलॉजी कहते हैं आपका जिस तरह हाथ है ना, हाथ के डिफरेंट प्रोपोर्शंस होते हैं। आप लोगों का इस वक्त चल रहा है नेट, बेटा नेट चल रहा है? आप गूगल पे जाके लिखें रिफ्लेक्सोलॉजी जल्दी से, और एक ही पिक्चर सारे बच्चे अपने सामने खोल लें। क्या है रिफ्लेक्सोलॉजी, कुछ समझ आई है पिक्चर देख के? बेटा रिफ्लेक्सोलॉजी कहती है कि आपका जो पाँव है ना, फुट है, उसके डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पॉइंट्स हैं,
जिनका कनेक्शन आपके जिस्म के इंटरनल ऑर्गन्स के साथ है, इसका कनेक्शन, इसका ताल्लुक आपके इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स के साथ है। अब जब आप इसके प्रेशर पॉइंट्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, कोई आपके दिल की हेल्थ बताता है, कोई आपके दिमाग की बताता है, कोई आपके यूट्रस का बताता है, कोई आपका जो है वो लिवर, किडनी, आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं, इन सब के बारे में आपका फूड बताता है। अगर वो बताता है तो इसका क्या मतलब है कि इन चीज़ों की आपने बहुत केयर करनी है। और एक फूड केयर करने से अगर आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं तो आपको और क्या चाहिए। अल्लाह की शान देखो, सारा दिन ज़मीन पे हमारे पाँव लगते हैं, हम चलते हैं, कितना स्ट्रेस देते हैं, लेकिन अल्लाह की शान देखो कि इन सब का कनेक्शन जाता है हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट से। तो अब आपने क्या करना है, एक ही काम, चलो दो, एक तो पाँव को वॉश अच्छे से करना है और एक रात को सोने से पहले आपने मसाज बहुत अच्छा करना है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? अच्छा, आप लोगों ने अब सिर्फ ये काम करना है कि रिफ्लेक्सोलॉजी को आपने थोड़ा सा पढ़ना है और इसके बाद आपने गूगल पे जाकर सीख लो, जैपनीज वेज जो है ना मसाज के, वो बड़े अच्छे होते हैं, वो आपको सही बताते हैं कि आपके इसका जो आपका थंब मोशन क्या होना चाहिए मसाज करते हुए। तो वो आपको बताएगा कि आपने रात को सोने से पहले, जिस बच्चे को नींद नहीं ना आ रही या किसी किस्म का स्ट्रेस है या कोई एंजाइटी है, इससे बेहतरीन इलाज आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। रात को सोने से पहले अपनी रूटीन बना लो कि आपने अपने पाँव का मसाज अच्छे से करना है, किसी से करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपके हाथ, आपके पाँव, आपका लोशन ले लो या कोई अच्छी मसाज क्रीम ले लो। मुझे तो वैसलीन बहुत अच्छी लगती है, सिंपल है, पेट्रोलियम जेल जो होती है, अच्छा फ्रेग्रेंस वाली नहीं, जो बिल्कुल न्यूट्रल होती है, वो आप लें, क्योंकि फ्रेग्रेंसेस में केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स आपकी स्किन को डैमेज करते हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने वैसलीन से सर्कुलर मोशन पे अपना हर वो प्रेशर पॉइंट जो रिफ्लेक्सोलॉजी में आपको बताया गया है आपने मसाज करना है। आप लोग ये एक दो दिन आप ज़रा ये करके देखें, आप मुझे दुआएँ देंगे, शर्त है कि मुझे दुआएँ ज़रूर देनी है, ठीक है। ये करके देखो, इतनी ज़बरदस्त नींद आएगी और उसके बाद आप देखना आपके इंटरनल ऑर्गन सारे हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे। आपको खुद से फीलिंग आएगी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा अच्छा हो गया है। सो ये चीज़ें थोड़ी सी अमल करने वाली हैं। रात को मसाज कर लिया, सुबह उठ के आपने जब पाँव धोने हैं तो इसी तरह धोने हैं, मतलब मसाज में तो आप बहुत ज़्यादा प्रेशर पॉइंट्स को सर्कुलर मोशन में करोगे, लेकिन जब आपने वॉश करना तो अच्छे तरीके से झावा लगा के, उसको फ्यूमिक स्टोन्स मिलते हैं मार्केट में, वो बड़े अच्छे होते हैं, फ्यूमिक स्टोन्स अपने पास रखें आप, उससे अपने पाँव को अच्छे से, उसकी डेड स्किन उतरती है। आप रोज़ रूटीन बनाएं कि आपने अपने पाँव को साफ़ करना है, तो ये आप देखिएगा कि आपके पाँव में एक तो स्वेलिंग नहीं होगी, आपके ऑर्गन्स हेल्दी होंगे, शूज़ आपके लिए किसी अजियत का बायस नहीं बनेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एक शेप में रहेंगे तो उस शेप से जब आप हटेंगे नहीं तो आपके शूज़ भी आपको डिस्कम्फर्ट नहीं देंगे। सो यहाँ पे मैं अपना जो आज का सेशन है उसको ख़त्म करूँगी, क्योंकि आज थोड़ा टाइम हमें स्टार्ट करने में भी ज़्यादा हो गया था और आज जाना है, मैं भी जी ख़त्म हो गया, तो हम अपना एक छोटा सा सेशन कर लेते हैं पिक्चर्स का और देन फिर मुझे इजाज़त दीजिए। और उम्मीद है कि आज का सेशन आपके लिए कुछ फ्रूटफुल हुआ होगा, क्या ख्याल है, कुछ नया पता चला आज? ज़बरदस्त ज़बरदस्त, थैंक यू बच्चों।